जालौर जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी ने मंगलवार को सायला उपखंड क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया, जहां स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों को कोरोना के बचाव और टीकाकरण की जानकारी दी। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने वालेरा ग्राम में मनरेगा कार्य का भी निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने मजदूरों से कोरोना के बचाव को लेकर बातचीत की। वहीं भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत सांगाना फाटा और दादाल से होकर निकलने वाले एक्सप्रेसवे के निर्माण में आ रही बाधा को लेकर भी कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उपखंड अधिकारी सीमा तिवारी और तहसीलदार से भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर विस्तार से जानकारी ली। एक सायला का प्रोजेक्ट था, जो मतलब मैं अपने आप को फैमिलियराइज कर रही थी लोकल एरिया से, और जैसा कि अभी सरकार का वो है कि दो तीन जो सरकार की प्रायोरिटीज हैं, एक तो हमारी चिरंजीवी बीमा योजना से हमारा मैक्सिमम कवरेज हो जाए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, और दूसरा है कोरोना मैनेजमेंट। तो आई थिंक यहाँ टीम अच्छा काम कर रही है और हमने उसको थोड़ा और डिस्कशन किया। आई बिलीव यहाँ हम कोरोना अभी तक कंट्रोल में है और रहेगा। मैम, भारतमाला को लेकर यहाँ के किसान बहुत परेशान हो रहे हैं, उसको लेकर आप कुछ? हाँ, उसको मैंने अभी देखा था, अभी उन्होंने मुझे इसका मौका भी दिखाया है। अभी हम उसमें देखेंगे, एक बार बैठ के डिटेल उसको चाहेंगे तो उस इशू को रिजोल्व करें, एमिकेबली रिजोल्व करें सबके। जो ठेकेदार है वो अपनी मनमानी कर रहा, किसान अभी मुआवजा वगैरह नहीं लिया है। और अब इसके बारे में मैं एक बार मैं पर्सनली जो अफेक्टेड पार्टीज हैं, मैं चाहूंगी कि एक बार उनसे मेरा संवाद हो जाए, फिर मैं इस पे कोई कमेंट करना चाहूंगी कि एक बार मैं देखूं ग्राउंड रियलिटी क्या, जो अफेक्टेड पार्टीज हैं उनका भी मत सुन ले हम एक बार। जी मैम, सायला आपको कैसा लगा? आप प्रथम बार आए हैं सायला? अच्छी जगह है, अच्छी टीम है यहाँ पे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ जनता को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता होगा।